ध्यान रखते हुए आज हम ट्रेनिंग को करेंगे, यानी कि एविडेंस को दिखाते हुए। सो सबसे पहला जो हमारा मेटामाइन का स्लाइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यानी कि एक मेटामाइन की टैबलेट में कितना फॉस्फोलिपिड, कितना फॉस्फोडिडाइल सीरीन और कितना फेरिक सैकराइड है, राइट। सो 167 mg फॉस्फोलिपिड है, जहां पे 100 mg फॉस्फोडिडाइल सीरीन है और 42.5 mg क्या है, फेरिक सैकराइड। सो रोल ऑफ फॉस्फोडिडाइल सीरीन, देखिए हमारे बॉडी में फॉस्फोडिडाइल सीरीन काम क्या करती है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये फॉस्फोडिडाइल सीरीन क्या है। फॉस्फोडिडाइल सीरीन फॉस्फोलिपिड के फैमिली का एक मेंबर है, जो हमारे बॉडी की एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं और ये नेचुरली हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है और सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे ब्रेन में, ठीक है। सो ये जो फॉस्फोडिडाइल सीरीन है, जो क्रूशियल कंट्रीब्यूशन देता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स, क्या प्ले करने के लिए, कौन सा रोल प्ले करने के लिए, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सेल टू सेल कम्युनिकेशन, फॉस्फोडिडाइल सीरीन किस तरीके से हमारे सेल कम्युनिकेशन में मदद करता है। देखिए हमारा जो फॉस्फोडिडाइल सीरीन है वो आपके हमारे क्या करता है, कॉम्पोनेंट एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन टिश्यूज। हम ह्यूमन टिश्यूज का एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। आपने यहाँ देखा होगा राइट, सेल्स है, तो ये सेल्स क्या करती है, फॉस्फोडिडाइल सीरीन जो आपने देख रहे हो यहाँ पे व्हाइट कलर का जो दौड़ रहा है ना, इस तरीके से मैसेज पास करने में मदद करता है, ठीक है। फॉस्फोडिडाइल सीरीन इस तरीके से सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करती है। मेटामाइन जो है किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर आप मेटामाइन यानी कि फॉस्फोडिडाइल सीरीन की हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जर्नल्स पढ़ सकते हो इंटरनेट में और आपको पूरे ह्यूमन साइकिल में, ह्यूमन लाइफ साइकिल पे आपको जर्नल्स मिल जाएंगी, सीनियर्स से लेके एडल्ट से लेके चिल्ड्रन तक, सभी में आपको ह्यूमन लाइफ साइकिल के ऊपर फॉस्फोडिडाइल सीरीन के हेल्थ बेनिफिट्स प्रूवन है। अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ मेटामाइन की, तो देखिए जो मेटामाइन है हमारे कॉग्निटिव हेल्थ को यानी कि हमारे ब्रेन हेल्थ को हेल्दी रखने में मदद करता है और इसके 50 से भी ज्यादा प्रूवन क्लिनिकल ट्रायल्स है। आप यहाँ पे स्टडी देख सकते हैं, है ना, ये सारे स्टडीज को आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी पे और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो इस स्टडी के ऊपर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो 50 से भी ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि जर्नल्स मौजूद है। और आपको पता है हमारा जो फॉस्फोडिडाइल सीरीन हमने जो यूज किया है वो आपके सोयाबीन डिराइव्ड है, यानी कि सोया से लिया गया है, राइट। सो आप यहाँ पे एक पेपर देख सकते हो, सोयाबीन डिराइव फॉस्फोडिडाइल सीरीन इम्प्रूव्स मेमोरी फंक्शन ऑफ द एल्डरली जापानीज सब्जेक्ट्स विद मेमोरी कंप्लेंट्स। सोयाबीन डिराइव फॉस्फोडिडाइल सीरीन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3-4 पेपर सोयाबीन डिराइव जर्नल्स के बारे में है। तो ये जर्नल्स, ये आर्टिकल आप आफ्टर ट्रेनिंग आराम से घर में बैठ के पढ़ के अपने नॉलेज को और ज्यादा गेन कर सकते हैं। बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन, किस तरीके से मेटामाइन बच्चों के लिए फायदेमंद है। सबसे पहले तो हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी मेटामाइन, मेमोरी को एनहेंस करेगा, अटेंशन को इंक्रीज करेगी, लर्निंग को इम्प्रूव करेगा और बिहेवियर को इम्प्रूव करेगी। और उसके साथ साथ ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, हम जो स्ट्रेस लेते हैं स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, अगर हम बात करें स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं पढ़ाई की, ट्यूशंस की, कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हेल्प करती है। अगर हम बात करें जर्नल पेपर, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पेपर हमने डिस्कस किए हैं,
इस पेपर पे क्या दिया है, दूध में पीएस को मिला के बच्चों को दिया गया था हाई स्कूल चिल्ड्रन में। तो क्या पाया गया हाई स्कूल चिल्ड्रन में जब दूध में पीएस को मिला के दिया, तो उनकी लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी पावर जो है वो इम्प्रूव होती रही। आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, ये जो येलो कलर है मिल्क फोर्टिफाइड विद पीएस पीने से पहले था, लेकिन जब मिल्क फोर्टिफाइड विद पीएस हाई स्कूल चिल्ड्रन को दिया गया तो आप ये रेड कलर देख सकते हो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है ना। ठीक इसी तरीके से हमारे मेमोरी पावर भी इंक्रीज होंगी और ये क्लिनिकली प्रूवन है, राइट। फॉस्फोडाइल सीरीन इम्प्रूव शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पे एक और स्टडी है जहाँ पे आपकी देख सकते हो हिरायामा एस और तेरसवा के राबलर ने लिखा है, एट एल इन्होंने लिखा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए भी फॉस्फोडाइल सीरीन बहुत ही अच्छे से मदद करती है। क्या क्या मेमोरी रिकॉग्निशन के लिए, मेमोरी रिकॉल को इम्प्रूव करेगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। सो अगर किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें भी मेटामाइंड रिकमेंड कर सकते हो। बेनिफिट्स फॉर एडल्ट, यानी कि हम सब के लिए किस तरीके से मेटामाइंड बेनिफिशियल है, हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा, फोकस को इम्प्रूव करेगी, अलर्ट रखेगा हमें और मेमोरी रिकॉल को इम्प्रूव करेगी। अगर हम स्टडी की बात करें तो यहाँ पे एक स्टडी है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो फॉस्फोडाइल सीरीन एंड द ह्यूमन ब्रेन, राइट। सो आप नीचे आप देखिए रिजल्ट में, ए लार्ज बॉडी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन अमंग फॉस्फोडाइल सीरीन कॉग्निटिव एक्टिविटी, कॉग्निटिव एजिंग एंड रिटेंशन ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग एबिलिटी, राइट। सो ये फॉस्फोडाइल सीरीन जो है हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव एक्टिविटी के साथ भी इंटरेक्ट किया, यानी कि हेल्पफुल है। सो ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन में किस तरीके से हेल्पफुल है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को फॉर्मुलेट करके रखने के लिए, मेमोरी रिकॉल लर्निंग इंफॉर्मेशन को अच्छा करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन को फोकस्ड रखने के लिए, राइट। हमारा जो एबिलिटी ऑफ लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको बढ़ाता है। लैंग्वेज स्किल्स, आप देखो ये जो हम बात करते हैं, राइट, जैसे कि मैं नेपाली होने के बावजूद भी मुझे हिंदी बात करनी आती है, मुझे एसएमएस बात करना आता है, मुझे इंग्लिश बात करना आता है, राइट। सो ये क्या है, ये एक लर्निंग एबिलिटी है। और कैसे हो पाया, मैं कैसे तीन लैंग्वेजेस सीख पाई बिसाइड माई मदर टंग, बिकॉज ऑफ माई लर्निंग एबिलिटी, राइट। तो लर्निंग एबिलिटी को भी इंक्रीज करता है लैंग्वेज स्किल्स, मेरी भी तो लैंग्वेज स्किल्स है, राइट। उस लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये जो अब आप और मैं हम एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें आप देखो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ आता है, जब हमें कुछ चीजें पता होती है हमारे ब्रेन से, राइट। और रैपिड रिएक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, अगर हम बात करें फॉस्फोडाइलसीरीन कंजम्पशन ऑफ फॉस्फोडाइलसीरीन, अगर आप 6 से 12 हफ्ते तक फॉस्फोडाइलसीरीन कंज्यूम कर रहे हो तो ये हमारी मेमोरी को इंक्रीज करने में मदद करेगा, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगी, लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम अच्छे हो जाएंगे और मेमोरी रिकॉल एंड रिकॉग्निशन में भी हमें सपोर्ट करेगी। अगर हम बात करें इस यहाँ पे भी देखिए कंजम्पशन के ऊपर भी बहुत अच्छा स्टडी है, और इस स्टडी में क्या पता चला कि 6 से 12 हफ्ते तक अगर हम फॉस्फोडाइल सीरीन को कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है वो उसकी डेवलपमेंट में काम शुरू हो जाएगी, यानी कि इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। बेनिफिट्स फॉर एल्डरली, अगर हम बुजुर्ग लोगों की बात करें तो बुजुर्ग लोगों में 60% ऐसे लोग हैं जो आप जिसको 50 साल की उम्र के बाद मेमोरी डिक्लाइन होती है और फंक्शन मेमोरी फंक्शन कमजोर होता है, राइट। सो जो आपका फॉस्फोडाइल सीरीन है वो एक ओनली कॉग्निटिव सोल्यूशन विद FDA हेल्थ क्लेम्स होता है। अगर आप अपने घर में होने वाले बुजुर्ग को फॉस्फोडाइल सीरीन दे रहे हो खाने के लिए, यानी कि मेटामाइन दे रहे हैं, तो ये जो है कॉग्निटिव डिसफंक्शन के रिक्स को कम करने में मदद करता है, राइट। और जिसको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, स्पेशली बुजुर्ग लोगों में, उस प्रॉब्लम को भी कम करने में
मदद करता है। अगर हम बात करें बुजुर्ग लोगों की, तो ये हमारे मेमोरी को रिकॉग्नाइज करने में मदद करती है, मेमोरी रिकॉल को इम्प्रूव करता है और डिमेंशिया के रिस्क को कम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फोडाइल सीरिन एल्डरली, यहाँ पे एक पेपर है आप पढ़ सकते हो जहाँ पे लिखा है द इन्फ्लुएंस ऑफ सोया डिराइव्ड फॉस्फोडाइल सीरिन ऑन कॉग्निटिव इन एज एसोसिएटेड मेमोरी इम्पेयरमेंट, राइट। सो इस स्टडी से क्या पता चला कि फॉस्फोडाइल सीरिन जो है फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड की एक फैमिली से है जो एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होता है फॉर आर कॉग्निटिव हेल्थ। और ये जो पीएस हैज बीन क्लेम टू एनहेंस, और ये जो पीएस है इसके स्टडी में ये क्लेम किया गया है कि ये हमारे न्यूरोनल मेम्ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है स्पेशली इन एल्डरली। और पीएस जो है ये डिमेंशिया के लिए भी प्रूव हुआ है, डिमेंशिया के जो प्रॉब्लम है उसको कम करने में मदद करती है, ये भी क्लिनिकली प्रूवन हो चुकी है, राइट। सो कंजम्पशन ऑफ फॉस्फोडाइल इंप्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शंस विद इन 6 to 12 months। पहले भी हमने डिस्कस किया, अगर हम मेटामाइन यानी कि मेटामाइन में फॉस्फोडाइल सीरिन है 6 से 12 हफ्ते तक अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी मेमोरी, लर्निंग पावर, अटेंशन स्पैन और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी यानी कि इम्प्रूव होगा। आपको पता है और बेहतर रिजल्ट के लिए हमें मेटामाइन जो है वो कंप्लीटली 6 months तक लेना है कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी डिले, स्पेशली एल्डरली के लिए, स्पेशली बुजुर्ग लोगों में। एंड 100 mg पर डे इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शंस इवन 3 months आफ्टर स्टडी टर्मिनेशन। यानी कि स्टडी में ये पता चला है कि अगर आप 3 महीने तक, ठीक है, 3 महीने तक पीएस ले रहे हो तब भी हमारे ब्रेन डेवलपमेंट कॉग्निटिव फंक्शन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आपको पता है हमारा एक मेटामाइन की टैबलेट 100 mg पर डे पीएस दे रहा है जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, जो दूसरी कोई भी कंपनीज नहीं देती, राइट। सो हमारा मेटामाइन जो है 100 mg पर डे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा हो रहा है सिर्फ एक मेटामाइन की टैबलेट से। इसीलिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, FDA approved formula in Vestige exclusively for Vestige distributors. Metamine स्वालो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको चबाओगे, च्यू करोगे एंड देन पानी के साथ आप इसको स्वालो कर दीजिएगा। और ये 12 years एंड बिलो के लोगों को हम रिकमेंड नहीं करते। प्लीज नोट डाउन कीजिए कि मैम 9 साल के बच्चे को दे सकते हैं, 10 साल के बच्चे को दे सकते हैं, ये सवाल नहीं आनी चाहिए। 12 साल से ऊपर के बच्चों को हम देंगे, ये एज लिमिट याद रखिए। 12 साल से ऊपर के बच्चों को खाना खाने के बाद दिन में कभी भी आप ले सकते हो चॉकलेट की तरह, और दिन में सिर्फ एक ही बार हम लेंगे, बिकॉज एक टैबलेट हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। ये इसके यूएसपीज हैं। बेस्ट सप्लीमेंट होगा हमारे ब्रेन के लिए। सो एविडेंस बेस्ड मेटामाइन की ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी सवाल